हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हमारे कौन कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं। पहला जो होता है हमारा सेंसिटिविटी रहेगा, सेकंड जो रहेगा हमारा थिक्सोट्रॉपी रहेगा। तो ये जो तीन टॉपिक है इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, द स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल कैन बी अल्टर्ड विदाउट चेंजिंग द वॉटर कंटेंट अपॉन रिमोडलिंग। ये क्या बोलता है कि जो हमारा स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल रहता है इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, रिमोल्डिंग से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम आज तक देखे पढ़ते आए हैं लेक्चर में कि हमारा जो स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी रहता है इसको हम कैसे चेंज करते थे, वाटर कंटेंट को चेंज करने से हमारा स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी चेंज होता था। लेकिन हम यहाँ पे सेंसिटिविटी में देखेंगे कि हमारा स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी जो होता है इसको हम रिमोल्डिंग से चेंज करेंगे कैसे। ठीक है, रिमोल्डिंग क्या होता है, इससे कैसे हम स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी को चेंज करेंगे, ये हम यहाँ पे देखेंगे। आप यहां पे एक बार और व्यू कर लीजिए कि हमारा जो स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी है ये क्या होता है, फिर उसके बाद हम रिमोल्डिंग पे आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्राफ था हमने अटरबर्ग लिमिट या फिर हमारा जो कंसिस्टेंसी लिमिट था इसके अकॉर्डिंग हमने प्लॉट किया था बहुत पहले ही, तो उसको हम फिर से यहाँ पे समझेंगे। ये जो हमारा क्या था, सॉलिड स्टेट था। ठीक है, सॉलिड स्टेट था यहाँ पे जब वाटर कंटेंट जीरो था, जीरो से जब तक कि हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे जब तक ये श्रिंकेज लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, उससे पहले हमारा क्या था, यहाँ पे सॉलिड स्टेट ऑफ सॉइल था। इसके बाद जब हमारा जो लिमिट है ये क्या होगा, श्रिंकेज लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, तो हमारा जो स्टेट हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा सॉइल का। ये कौन सा स्टेट आ जाएगा, सेमी सॉलिड स्टेट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर जब सेमी सॉलिड स्टेट आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे वाटर कंटेंट को, तो फिर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक लिमिट आएगा। फिर से हमारा कौन सा लिमिट आएगा, प्लास्टिक लिमिट आएगा। ठीक है, या फिर प्लास्टिक लिमिट आएगा। तो फिर जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे और जब हम इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो हमारा कौन सा स्टेट आ जाएगा, प्लास्टिक स्टेज आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम प्लास्टिक स्टेज में हैं, फिर वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि हम यहाँ पे लिक्विड लिमिट को ना पहुंच जाए। और जब जैसे ही हम यहाँ पे लिक्विड लिमिट को पहुंच जाएंगे और उसको क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिक्विड स्टेट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चार स्टेट के बारे में हमने देखा था, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेज। तो ये जो चार स्टेट है हमारे सॉइल के, ये हमारे क्या कहलाता है, कंसिस्टेंसी स्टेट कहलाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो स्टेट था ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हमारा वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा था, हमारा स्टेट भी चेंज हो रहा था। जैसे हमारा श्रिंकेज लिमिट को क्रॉस किया, हमारा जो स्टेट था सॉलिड से सेमी सॉलिड में चेंज हुआ। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही हमारा जो है प्लास्टिक लिमिट को हमारा वाटर कंटेंट क्रॉस किया तो हमारा कौन सा स्टेट आ गया, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेज आ गया। सिमिलरली जब हमारा वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट को क्रॉस किया तो हमारा जो स्टेज आ गया वो कौन सा आ गया, लिक्विड स्टेज का आ गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेट था या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी था, यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा वाटर कंटेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो आज तक हमने देखा था कि ये जो हमारा स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी है ये हमारे वाटर कंटेंट पे डिपेंडेंट था। लेकिन जो सेंसिटिविटी का टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी है ये किस पे डिपेंड करेगा, रिमोल्डिंग पे भी डिपेंड करता है। रिमोल्ड करने से, रिमोल्डिंग क्या होता है कि सॉइल का टेक्सचर, उसका अपियरेंस को चेंज करना, हमारा क्या कहलाता है, रिमोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप जमीन है, ठीक है, उसको खोदे, उसको डिग किए, मिट्टी निकाले और उसको कहीं और प्लेस कर दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जमीन है, इसको हम डिग किए और ये इसे जो हमको सॉइल मिला इसको हम कहीं और जाके यहाँ पे प्लेस कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं प्लेस कर दिए तो क्या होगा कि जो हमारा सॉइल के जो सॉलिड्स थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, ये जो मिट्टी यहाँ पे जो जमीन था इसको डिग करके जो मिट्टी निकाल के हम कहीं और प्लेस कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है हमारा क्या कहलाएगा, रिमोल्डिंग कहलाएगा। ठीक है, रिमोल्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज के टेक्सचर, उसके अपियरेंस को चेंज करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो मिट्टी था जो कि जमा हुआ था अपने प्लेस में उसको यहाँ पे हमने खोद के निकाला और कहीं और प्लेस कर दिया है, तो ये हमारा क्या है, रिमोल्डिंग है। तो यहाँ पे रिमोल्डिंग हमने देखा कि क्या होता है, तो ये जो रिमोल्डिंग होता है इसके कारण जो हमारा लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है ये जो हमारा क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। ड्यू टू रिमोल्डिंग ऑफ द सॉइल द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ अकर विच कैन बी एनालाइज्ड इन द टर्म ऑफ
सेंसिटिविटी, कि ये जो हमारा रिमोल्डिंग प्रोसेस है इसके कारण जो हमारा स्ट्रेंथ में लॉस आता है ये हमारा क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। तो जब हम यहाँ पे जो मिट्टी है उसको कहीं और से डिग करके कहीं और प्लेस करेंगे तो इससे कैसे हमारा स्ट्रेंथ में लॉस होगा सॉइल के, ये हम यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रेंथ में जो लॉस होता है दो चीज़ों के कारण होता है। पहला जो होता है हमारा ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड, जो हमारे सॉइल हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉइड्स रहते हैं और सॉलिड्स रहते हैं, तो जो हमारे सॉलिड्स हैं उनका परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो इसके कारण हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ में लॉस हो जाएगा सॉइल के। और जो दूसरा कारण है वो क्या है, ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एडसॉर्ब लेयर ऑफ सॉइल सॉलिड। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा क्या है, सॉइल का सॉलिड है और इसके ऊपर क्या है, हमारे वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से क्या है, एडसॉर्ब है। एडसॉर्प्शन क्या होता है हमारा, ये एक सरफेस फिनोमिना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि हमारे सॉइल सॉलिड में एडसॉर्ब है, इनका क्या होता है यहाँ पे, रीओरिएंटेशन होता है। जब हम सॉइल को डिग करके कहीं और प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि उसमें जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स तो का तो परमानेंट डिस्ट्रक्शन होगा ही, लेकिन साथ में उन सॉलिड्स के ऊपर उनके सरफेस में क्या है, वाटर एड्सॉर्ब है, उनका भी क्या होता है, रीओरिएंटेशन हो जाता है और वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इसके कारण हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जो सॉइल रहता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो दो प्रोसेस है जिनके कारण से हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कम हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं हमारा कि स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि हमारा जो सेंसिटिविटी होता है इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसिटिविटी के लिए क्या फॉर्मूला गिवन है। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल। ये अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, ये एक नया टर्म है, इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये जो हमारा है सॉइल का ही प्रॉपर्टी है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम देखेंगे। फिलहाल अभी यही याद रखिए कि ये क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ अपॉन ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल। इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ को यूसीएस से यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यूसीएस ऑफ अनडिस्टर्ब अपॉन यूसीएस ऑफ डिस्टर्ब, ऊपर में क्या रहेगा अनडिस्टर्ब, नीचे में क्या रहेगा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेंसिटिविटी की बात। जैसे कि अगर हमको क्वेश्चन में दिया रहता है अनडिस्टर्ब सॉइल का यूसीएस दिया है, डिस्टर्ब सॉइल का यूसीएस दिया है, तो यहाँ पे हम सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 200/50 तो 4, तो हमारा जो सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है सॉइल का, किसके कारण, रिमोल्डिंग के कारण लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा सेंसिटिविटी ज्यादा है, मतलब कि हायर लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है हमारा, किसके कारण, रिमोल्डिंग के कारण, ठीक है। तो ये हो गई हमारे सेंसिटिविटी की बात। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्या, थिक्सोट्रॉपी। ये हमारा क्या है, थिक्सोट्रॉपी। ये क्या बोलता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अ पार्ट ऑफ लॉस्ट स्ट्रेंथ कैन बी रिगेन ड्यू टू रिहैबिलिटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एडसॉर्ब लेयर ऑफ सॉइल सॉलिड, बट द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड कैन नॉट बी रिगेन। ये हमारा क्या बोलता है कि जो हमारा लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हुआ है सॉइल में, ये किसके कारण हुआ है, दो चीजों के कारण हुआ है, रीओरियंटेशन ऑफ एडसॉर्ब वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल सॉलिड, और जो हमारा दूसरा रीजन है परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड, ये दो रीजन है। लेकिन हमारा थिक्सोट्रॉपी क्या होता है कि जब हम सॉइल को एक जगह से डिग करके दूसरे जगह प्लेस किए तो उसको हम कुछ टाइम के लिए वहां पे छोड़ देते हैं, तो क्या होंगे, उसके जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो फिर से क्या करेंगे, अपना स्ट्रेंथ को रीगेन करने लगेंगे। जैसे कि यहां से हमने क्या किया था, डिग किया था और इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया था, जो सॉइल के सॉलिड थे उनको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, अपना फिर से स्ट्रेंथ गेन करने लगेंगे, फिर से अपना स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो ये जो गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ होता है, रीगेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ जो हम बोल सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, थिक्सोट्रॉपी कहलाता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारी थिक्सोट्रॉपी कहलाती है। तो ये जो रीगेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ होगा ये किसके कारण होगा, जैसे कि डिस्ट्रक्शन हमारा, तो आपको पता है मैंने अभी बताया कि दो चीज़ों के कारण होता है, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ
सॉइल सॉल्यूट और रीओरिएंटेशन ऑफ एड्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल, तो ये दोनों चीजों के कारण होता है डिस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिगेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ आ रहा है, मतलब कि ये जो दो चीजें हैं हमारी उसमें से कोई एक क्या हो रहा है, फिर से रिगेन हो रहा है, ठीक है, फिर से रिप्लेस हो रहा है अपने प्लेस में, सही हो रहा है, तभी तो हमारा क्या होगा स्ट्रेंथ में गेन ही होगा क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो इन्हीं के कारण से हुआ था। तो थिक्सोट्रॉपी में क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन होता है हमारा परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड जो रहता है वो कभी भी रिगेन नहीं होता है, लेकिन जो हमारा एड्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल था वो क्या होते हैं फिर से रिहैबिलिटेट होते हैं, मतलब कि फिर से अपने प्लेस में आते हैं, ठीक है, सही से ओरिएंट होते हैं, जिसके कारण से जो हमारा सॉइल है उसमें क्या आता है स्ट्रेंथ आता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा थिक्सोट्रॉपी क्या होता है कि हमारा जो परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड था इसको हम कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकते, इसको कभी भी रिगेन नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा दूसरे टाइप का डिस्ट्रक्शन था ड्यू टू द रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हाँ ये क्या होता है कि समय के साथ जो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल था वो फिर से रिहैबिलिटेट होता है और जिसके कारण जो हमारा सॉइल है ये फिर से स्ट्रेंथ गेन करता है, ठीक है। तो हमारा जो परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड है ये कभी भी क्या होगा रिगेन नहीं होगा, सिर्फ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिहैबिलिटेट होंगे, मतलब कि फिर से अपने प्लेस में आएंगे, सही से ओरिएंट होंगे, ठीक है। तो दिस फिनोमिना ऑफ गेनिंग अ पार्ट ऑफ लॉस स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज थिक्सोट्रॉपी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है पार्ट ऑफ लॉस स्ट्रेंथ लिखा है, क्योंकि हमारा किसके कारण बस स्ट्रेंथ रिगेन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल के रिहैबिलिटेट होने से हमारा क्या हो रहा है स्ट्रेंथ का गेन हो रहा है, ना कि जो हमारा परमानेंट डिस्ट्रक्शन हुआ है सॉइल सॉलिड का वो फिर से हमारा मॉडिफाई नहीं होगा, वो फिर सही नहीं होगा, ठीक है, बस हमारा ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वही बस रिहैबिलिटेट होंगे जिसके कारण हमारा स्ट्रेंथ में गेन होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमको क्या होगा कि टाइम के साथ सिर्फ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ में ही गेन होगा, ना कि पूरा स्ट्रेंथ हम गेन नहीं कर सकते, सिर्फ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ में हमको क्या मिलेगा गेन मिलेगा, रिगेनिंग ऑफ पार्ट ऑफ लॉस्ट स्ट्रेंथ ही सिर्फ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हमने एक ग्राफ लिया है उसके थ्रू यहाँ पे प्लॉट किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्राफ हमको शो हो रहा है ये किसके किसके बीच का है, शियर स्ट्रेंथ और हमारा टाइम के बीच में यहाँ पे ग्राफ शो हुआ है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हमको यहाँ पे वाई एक्सिस में हमने प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस में हमने टाइम यहाँ पे प्लॉट किया है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा स्ट्रेंथ रहता है वो कितना है यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये हमारा क्या है स्टार्टिंग में इतना स्ट्रेंथ था हमारे सॉइल का, लेकिन क्या हुआ हमने रिमोल्डिंग किया और रिमोल्डिंग के कारण जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है वो क्या किया यहाँ पे डिक्रीज कर गया। लेकिन कब तक ये डिक्रीज करेगा, क्या यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है ये क्या पूरा यहाँ तक जीरो तक डिक्रीज हो जाएगा जो इसका स्ट्रेंथ है, नहीं ये कुछ ही तक डिक्रीज करेगा, कुछ ही तक, ठीक है। इसका भी लिमिट होता है कि हमारा जो सॉइल रहता है इसका क्या होता है ये हमारा क्या दिखा रहा है रेसिडुअल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मतलब कि हम उसको कितना भी रिमोल्ड कर दें क्या कितना भी एक जगह से दूसरे जगह प्लेस कर दें उसका अपीयरेंस उसका टेक्सचर उसका चेंज कर दें फिर भी इतना स्ट्रेंथ है हमारे सॉइल में रहेगा ही। जब हम रिमोल्ड करेंगे तो उसके कारण जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी हमारा वापस जीरो में कभी नहीं आएगा, इसमें इतना स्ट्रेंथ तो हमेशा रहेगा ही उसको हम भले ही कितने बार भी रिमोल्ड करें। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिडुअल सॉइल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि इतना स्ट्रेंथ तो रहेगा ही सॉइल में डिस्टर्ब करने के बाद भी, कितना भी हम उसको डिस्टर्ब किए इतना तो रहेगा ही हमारा रेसिडुअल स्ट्रेंथ। इसके बाद क्या होता है फिर से हमारा जो सॉइल रहेगा यहाँ पे रिमोल्ड करने के कारण इसका जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गया, कब तक डिक्रीज हुआ हमारा रेसिडुअल स्ट्रेंथ तक जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है वो डिक्रीज हुआ। इसके बाद क्या होगा कि हमारा सॉइल जो है उसमें क्या होगा थिक्सोट्रॉपी होगा, थिक्सोट्रॉपी मतलब कि टाइम के साथ ही अपना स्ट्रेंथ फिर से गेन करेगा और किसके कारण गेन होगा यहाँ पे स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ रिहैबिलिटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के कारण हमारा गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ होगा यहाँ पे, ना कि हमारा जो परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड वो कभी भी क्या होगा फिर से वो सही नहीं होगा, उसके कारण कभी भी हमारा स्ट्रेंथ गेन नहीं होगा, जो परमानेंट डिस्ट्रक्ट हो चुका हमारा सॉइल सॉलिड वो कभी भी फिर से ठीक नहीं हो पाएगा कितना भी टाइम हो, लेकिन हमारा जो सॉइल सॉलिड डिस्ट्रक्ट हो चुका है वो हो चुका है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के कारण हमारा गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है, मतलब कि एक पार्ट ही हमारा क्या होगा गेन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ फिर से हमारा स्ट्रेंथ में गेन हुआ, लेकिन जो हमारा स्ट्रेंथ के गेन होने के बाद भी यहाँ पे जो इसका लेवल है इसका जो लेवल है ये क्या है ये जो है इसका लेवल है, इतना तक हमारा स्ट्रेंथ में गेन हुआ लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका गेन होने के बाद भी स्ट्रेंथ का लेवल यही है, जबकि हमारा इनिशियली जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हमारा कहाँ था यहाँ तक था। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इतना पार्ट है इतना पार्ट हमारा क्या हो गया है यहाँ पे लॉस हो गया है,
इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं, इतना जो स्ट्रेंथ है हमारा, ये लॉस हो गया है। और ये जो लॉस हुआ हमारे किसके कारण हुआ है, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड के कारण इतना स्ट्रेंथ का लॉस हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ तक हमने रिगेन हुआ किसके कारण, थिक्सोट्रॉपी के कारण रिगेन हुआ। इसके बाद फिर से क्या होगा, हम इसको रिमोल्ड कर देंगे, फिर से इसको एक जगह से दूसरे जगह प्लेस कर देंगे, या फिर उसका टेक्सचर उसको डिग करके, ठीक है, उसका टेक्सचर चेंज कर देंगे, उसको रिमोल्ड कर देंगे, तो फिर से इसका जो स्ट्रेंथ है हमारे सॉइल का वो क्या हो गया, कम हो गया। कहाँ तक कम होगा, जीरो तक क्या कम होगा, कभी नहीं जीरो तक कम होगा। हमारा जो सॉइल है उसमें इतना स्ट्रेंथ तो रहेगा ही, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, रेसिडुअल स्ट्रेंथ के हमारा इक्वल होगा, ठीक है। इतना जो स्ट्रेंथ है हमारा सॉइल हमेशा कैरी करके चलता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि इतना स्ट्रेंथ कम कर दिया तो हमारा जो स्ट्रेंथ आ गया वो कहाँ तक आ गया, रेसिडुअल स्ट्रेंथ के इक्वल आ गया। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो सॉइल होगा वो क्या होगा, रिगेन करेगा अपना स्ट्रेंथ। कैसे रिगेन करेगा, थिक्सोट्रॉपी प्रोसेस से, जो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे वो रिहेबिलिटेट होंगे, जिसके कारण जो हमारा सॉइल रहेगा वो फिर से अपना स्ट्रेंथ को रिगेन करेगा। लेकिन जो हमारे सॉइल सॉलिड्स का परमानेंट डिस्ट्रक्शन हुआ है वो कभी भी हम रिगेन नहीं कर सकते, उसके कारण जो स्ट्रेंथ में लॉस हुआ है उसको हम कभी भी रिगेन नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे हम गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा फाइनल जो स्ट्रेंथ आ रहा है वो क्या है, हमारा ये है, और हमारा इनिशियल स्ट्रेंथ ये था, तो यहाँ पे भी हमको एक गैप मिल रहा है। ये जो गैप आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये जो हल्का छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये जो गैप है हमारा, ये इतना का गैप हमको मिल रहा है, ये इनिशियल था और ये हमारा क्या है, फाइनल है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इतना, ये जो पिंक कलर से आपको शो हो रहा है, इतना जो है हमारा लॉस हुआ है किसके कारण, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड के कारण लॉस हुआ है। इसके बाद क्या होगा, फिर से जो हमारा सॉइल रहेगा उसको हम फिर से रिमोल्ड कर देंगे, तो इसका स्ट्रेंथ फिर से डिक्रीज हो जाएगा, उसका अपियरेंस को, उसका टेक्सचर को चेंज करेंगे तो फिर से ये क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। और इसका जो फाइनल स्ट्रेंथ कहाँ तक डिक्रीज होगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडुअल स्ट्रेंथ तक डिक्रीज होगा, इतना स्ट्रेंथ हमारे सॉइल में रहेगा ही। इसके बाद क्या होगा, फिर से हमारा थिक्सोट्रॉपी का प्रोसेस होगा, सॉइल अपना स्ट्रेंथ को रिगेन करेगा। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो फाइनल जो हमारा स्ट्रेंथ होगा उससे हमेशा ही, इसका जो फाइनल होगा ये हमेशा ही कम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ही गेन कर पाएगा, किसके कारण गेन कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ रिहेबिलिटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के कारण ही अपना एक पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ को गेन कर पाएगा। परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड है वो उसके कारण कभी भी क्या होगा, स्ट्रेंथ रिगेन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड हो चुका है वो हो चुका है, वो कभी भी क्या फिर से सही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फिर से हमने क्या किया, रिमोल्ड कर दिया, तो फिर से वे थिक्सोट्रॉपी से अपना क्या करेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, पहले वाले से कम होगा। कितना कम होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिंक कलर से, ये किसके कारण लॉस हो रहा है हमारा, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड के कारण इतना जो है स्ट्रेंथ हमारा लॉस हो चुका है। तो ये क्या होगा, इतना जो है हमारा फाइनल स्ट्रेंथ आएगा, ये हमारा इनिशियल स्ट्रेंथ है, तो ये दोनों का डिफरेंस हमारा क्या बताएगा कि इतना इतना हमारा लॉस हुआ है परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड के कारण। उसके बाद हम फिर से रिमोल्ड करेंगे, ये फिर से रिगेन हो करेगा अपना स्ट्रेंथ। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता जाएगा, लेकिन हमारा जो फाइनली जो स्ट्रेंथ रहेगा ये हमेशा जो सॉइल का ये इतना तो हमेशा रहेगा ही, कभी भी इससे कम हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कभी कम नहीं होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेसिडुअल लाइन कहलाएगा, ठीक है। ये रेसिडुअल लाइन मतलब कि इतना स्ट्रेंथ तो हमारा जो सॉइल है हमेशा कैरी करेगा ही, भले आप उसको कितने बार भी रिमोल्ड करें, कितने बार भी उसका स्ट्रेंथ को रिगेन कराएं, लेकिन ये जो हमारा क्या है, इतना स्ट्रेंथ हमेशा सॉइल के अंदर रहेगा ही, ठीक है। तो ये हो गई हमारे थिक्सोट्रॉपी की बात।